हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बीटू में एक बार फिर से स्वागत है। तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है और शुरुआत करी है कुछ इस तरह से। तो देखिए, आज मौसम बिल्कुल बिगड़ चुका है, आसमान में भी काले बादल आ गए हैं और ये देखिए हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो गई है। लेकिन थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने के बाद मौसम देखिए किस तरह का दिखने लगा है, ऐसा लगता है बिल्कुल साफ साफ हो गया हो। तो बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट भी आती है कि हमें सुबह का ये नज़ारा ज़रूर दिखाया कीजिए। तो अभी मौसम विभाग ने 2-3 दिन ये मौसम इसी तरह का बताया हुआ है और हमारे घर के पास ही हमने छोटे छोटे डिब्बों में ये पौधे लगाए हुए थे। तो ये है मिर्च का पौधा जो कि अब बड़ा हो गया है और कुछ दिन बाद ये अब मिर्च देना शुरू कर देगा। और साथ में ही एक गमले में हमने लगाया हुआ है पुदीना और ये भी लग गया है। तो आजकल गर्मी का मौसम आ गया है और पुदीने की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, चाहे आप चावल के साथ खाएं या चपाती के साथ। तो ये वाली बहुत ही अच्छी लाभदायक चीज़ें होती है। तो चलिए अब कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो यहाँ पे हमने आज बनाए हुए हैं आलू के परांठे। तो ये देखिए, आलू के परांठों का जो भी पेस्ट है वो मैंने तैयार कर लिया है। प्याज, हरा धनिया और मिर्च वगैरह, नमक सब कुछ इसमें डाल दिया है। तो एक फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट भी आई थी कि जब भी आप परांठे बनाएं तो रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, अगर आप लोग इस आलू के पेस्ट में हरा धनिया डाल दोगे तो बहुत होता है ये और बहुत ही टेस्टी बनते हैं, सिंपल सादे। तो आज सुबह सुबह ही हम बना रहे हैं आलू के परांठे और ये देखिए लगभग आधे से परांठे तैयार हो गए हैं। अब मुझे थोड़े से ही और बनाने हैं। तो अंजना दीदी को परांठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आज परांठे ही बना लिए जाएं। हम लोग चूल्हे पर ही ज़्यादातर खाना बनाते हैं और मुझे डबल परांठे बनाने ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। वैसे तो सिंगल आलू के परांठे भी बन जाते हैं लेकिन वो मुझसे नहीं बन पाते, तो इसीलिए मैं ये डबल करके ही बनाती हूँ इस तरह से। और इस तरह से बनाने में बिल्कुल आसान भी होते हैं, अगर आपको सिंपल सिंगल ना आए बनाने तो आप इसी तरह से बना सकते हो। और ये देखिए, ये हमारा परांठा बनकर तैयार हो चुका है। तो आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म परांठे। तो आलू के परांठे किस किस को पसंद हैं मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आज सुबह सुबह ही हम लोगों ने किया बहुत ज़्यादा काम, तो गांव वाले घर में तो काम थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, अब बारी है ऊपर वाले घर की। तो यहाँ पे हम लेंटर की जो भी ग्रिल्स वगैरह हैं उनको पेंट कर रहे हैं। तो आज पापा जी के साथ मैं और पतिदेव भी लग गए। तो ये देखिए, लेंटर के चारों साइड जो आपको ग्रिल्स दिखाई दे रही हैं इनको सभी को पेंट वगैरह करना है। तो ये इस तरह से हमने किया है। साथ में पापा जी हमें बता भी रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा कलर करना है, हम उसी के अनुसार चल रहे थे क्योंकि हम उतने एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन जैसे तैसे पापा जी बताते हैं हम उस तरह से करने की हर प्रकार से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसके हाथ में तो ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैंने एक कपड़ा सा लिया हुआ है उसी से कर दिया क्योंकि ब्रश से फिर बहुत ज़्यादा गिरता भी है नीचे, और मैंने सोचा क्यों ना इसी तरह से किया जाए। और ये टेक्निक बिल्कुल सही थी, इससे पेंट बहुत ही अच्छा हुआ, ना ही ज़्यादा नीचे गिरा और ना ही कुछ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने पेंट किया। तो अभी यहाँ की साफ़ सफाई करने को है, पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं लेंटर पे तो ये भी हम बिल्कुल चकाचक कर देंगे।
और फिर जब हम पूरा का पूरा घर चमका देंगे तो हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे अपना पूरा का पूरा घर। तो पिछले कल ये हमारे घर पे आए हुए थे हमारे छोटे छोटे से मेहमान, तो ये रिश्ते में मेरी ननदे ही लगती है, तो ये थोड़ी देर के लिए ही आई थी यहाँ पे, तो इनके साथ हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे। साइड हो जा तू, नहीं तो टेम्पो के नीचे आ जाएगी और मिट्टी करेगा ये। ये है पिछले शाम का, तो हम लोग चले गए थे अपने गांव वाले घर मम्मी जी की हेल्प करने, क्योंकि हमने अपने गेहूं वगैरह जो भी दाने निकाले थे उनको हमने कल धूप में सुखाया था, तो अब उनको हम बोरी में भर लेंगे क्योंकि मौसम एकदम से बिगड़ गया है। कुछ एकाध रह गए थे दाने, तो उनको मम्मी इस तरह से निकाल रहे हैं, तो ये देखिए, तो इनमें से थोड़ा थोड़ा भूसा रह गया था, तो भूसा अलग कर देंगे मम्मी जी और दाने बिल्कुल अलग। तो ये बहुत ही पुरानी तरकीब है, पुराने ज़माने में इस तरह से किया जाता है, जब भी हवा के झोंके आते थे तो इनको इसी तरह से निकाला जाता था दानों को। आजकल तो पंखे वगैरह की सहायता से भी इनको निकाल लिया जाता है, लेकिन पुराना ज़माना था ही कुछ ऐसा कि उस तरह के नहीं होते थे सभी उपकरण, की जैसे पंखा हो गया, सभी के पास ये चीज़ें नहीं होती थी। ये देखिए मौसम का नज़ारा कल शाम से बिगड़ा हुआ है। तो गांव की अधिकतर महिलाएं इसी तरह से गेहूं के दाने निकाल लेती है। पहले अगर मशीन में नहीं डालते थे गेहूं के दानों को, यानी गेहूं को, तो इसी तरह से कूट कूट करके, मतलब जो भी कनक वगैरह होती थी तो उनको डंडे से पीट पीट करके इनके दाने अलग कर दिए जाते थे, और जो भी इसका घास वगैरह होता था उसको अलग किया जाता था, और फिर लेडीज़ इसी तरह से हवा के झोंकों में गेहूं के दाने इस तरह से निकालते थे। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो ये जो दोनों नंदे मेरे घर आई हुई थी, तो हम इनके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे, क्योंकि ये जब भी अपने घर आते हैं तो हमारे घर से कुछ दूरी के पास ही है इनका घर, इनकी दादी का घर। जब भी अपने दादी से मिलने आते हैं तो ये लोग हमसे ज़रूर मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा कैप्चर कर रही थी, तो ये थोड़ा सा शर्मा रहे थे यहाँ पे। ये मैं ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है, और यहाँ पे गपशप चल रही है। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा सुरक्षित रहिएगा।